नाउ द नाइन्थ ऑब्जेक्टिव, हम पहले ऑब्जेक्टिव को रीड करते हैं, समझते हैं उसको. द अट्रैक्टिव पोटेंशियल ऑफ एन एटम इज गिवन बाय, दिस इज द अट्रैक्टिव पोटेंशियल, V इज इक्वल टू V नॉट लॉन ऑफ R बाय R नॉट. V नॉट एंड R नॉट आर कॉन्स्टेंट, R इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, द आर एन ऑफ nth बोर ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इन फैक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन गया. इसमें बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स का थॉरो नॉलेज होना चाहिए ऐसे, और बोर क्वांटाइजेशन का मतलब बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए, बोर मॉडल का मतलब बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए. देखिए वी दिया हुआ है, इससे हम फील्ड निकाल लेंगे, इट्स माइनस डीवी बाय डीआर. जो पोटेंशियल फंक्शन है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल फंक्शन है, इससे अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फील्ड निकल जाता है माइनस डीवी बाय डीआर. तो हम फील्ड इस तरह से निकाल ले रहे हैं, माइनस वी नॉट कॉन्स्टेंट है और लॉन ऑफ आर, इसके लिए हम लिख देंगे वी नॉट लॉन आर माइनस लॉन आर नॉट. तो ये वी नॉट लॉन आर और लॉन आर का हो गया 1 बाय आर, और वी नॉट लॉन आर नॉट ये कॉन्स्टेंट हो गया, उसका डिफरेंशियल हो गया जीरो, और यह फील्ड फंक्शन मुझे दिखने लगा. यदि यह फील्ड फंक्शन है तो फोर्स जो होगा दैट इज क्यू इन टू ई, दैट इज माइनस ई वी नॉट बाय आर, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. इस तरीके से मुझे फोर्स के लिए एक्सप्रेशन दिखने लगा. दिस गिव्स मी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और मैं लिख सकूंगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट. माइनस साइन सिंपली यह मतलब दिखाएगा कि दिस फोर्स इज इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, बस रेडियस वेक्टर के अपोजिट, और मुझे यह दिखने लगेगा. अब मैं बोर क्वांटाइजेशन का एक्सप्रेशन लिखता हूं. बोर क्वांटाइजेशन क्या कहता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, यह बोर क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन है. इसे मैं स्क्वायर करके लिख देता हूं और लिखता हूं एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर. एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर. मैं वेलोसिटी टर्म को हटाना चाहता हूं इसलिए इसको स्क्वायर कर दिया मैंने. अब मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देता हूं, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, एक m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर कैंसिल्ड, r स्क्वायर कैंसिल्ड, तो यह दिखने लगेगा n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर e v नॉट. और इस तरीके से रेडियस स्क्वायर दिखने लगा n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर e v नॉट m. रेडियस दिखने लगा n इंटू एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ m e v नॉट. हेंस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. द करेक्ट आंसर टू द नाइन्थ ऑब्जेक्टिव इज ऑप्शन ए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज nh अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ m e v नॉट. इस तरह के ऑब्जेक्टिव दे आर रियली चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्टिंग सिचुएशन, इंटरेस्टिंग कंडीशन. पोटेंशियल फंक्शन दिया गया, पोटेंशियल फंक्शन से फील्ड फंक्शन निकाला गया माइनस जी बाई डी आर करके, फील्ड फंक्शन से फोर्स के लिए एक्सप्रेशन लिखा गया, उस फोर्स को हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वेट करा और इस तरह से हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया. फिर बोर क्वांटाइजेशन की इक्वेशन लगा दी और इस तरह से सॉल्व करके रेडियस के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया और हमने आंसर कंक्लूड करा. दिस इज सॉल्यूशन टू नाइन्थ ऑब्जेक्टिव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेंथ ऑब्जेक्टिव. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टेंथ ऑब्जेक्टिव. टेंथ ऑब्जेक्टिव बड़े ध्यान से पढ़ें. द
द हाइड्रोजन एटम एंड लिथियम आयन, एक तो हाइड्रोजन एटम है और एक लिथियम आयन, Li2 पॉजिटिव है, Li2 पॉजिटिव इज हाइड्रोजन लाइक, बोथ आर इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, मीन्स n इक्वल टू 3 है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 3, इफ LH एंड Li आर देयर देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम एंड EH एंड EI आर देयर एनर्जीज, दैन अब देखिए एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय MVR एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। मैं कहूंगा L ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड बी 3H बाय 2 पाई एंड L एंगुलर मोमेंटम ऑफ लिथियम एटम वुड बी ऑल्सो 3H बाय 2 पाई। खास बात, दोनों की एंगुलर मोमेंटम तो सेम होगा, एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं होना है, जबकि यदि हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज -13.6 इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर ईवी। सो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड बी -13.6 इनटू 1 स्क्वायर बाय 9 ईवी और एनर्जी ऑफ लिथियम आयन वुड बी -13.6 इनटू लिथियम के लिए मैं z इक्वल टू 3 लिखूंगा, सो 3 स्क्वायर अपॉन 9 ईवी। नाउ लेट्स चेक, हम कहेंगे लिथियम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन लिथियम सेम बी और सी में दे रखा है, अब मॉड ऑफ एनर्जी हमें कंपेयर करना है और मॉड ऑफ एनर्जी एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ लिथियम ये दोनों तो सेम दिख रहा है और मॉड ऑफ एनर्जी मुझे लिथियम की ज्यादा दिख रही है, हाइड्रोजन की कम दिख रही है, मॉड ऑफ एनर्जी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस ऑब्जेक्टिव इज सी, एंगुलर मोमेंटम सेम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ लिथियम इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। सर ध्यान से देखिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 12th ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 12th ऑब्जेक्टिव। इमेजिन एटम मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड हाइपोथेटिकल पार्टिकल ऑफ डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैविंग द सेम चार्ज, अप्लाई बोर मॉडल, कंसिडर ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन, हाइपोथेटिकल पार्टिकल टू द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट विल बी एमिटेड हैज वेवलेंथ इक्वल टू, अब देखिए वंस अगेन रिडबर्ग कॉन्स्टेंट आर के टर्म्स में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमिटेड निकालना है। वंस अगेन बेसिक कंसेप्ट हमको रिकॉल करना होगा, डेल्टा ई एनर्जी रेडिएटेड इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इनटू 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। यह एक्सप्रेशन एस आई टोल्ड यू ये रटा हुआ होना चाहिए और इस डेल्टा e को हमने लिखा था एच सी बाय लैम्डा और फिर इस तरीके से हमने इसको 1 बाय लैम्डा जिसको हमने वेव नंबर कहा उसे लिख दिया था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच क्यूब सी इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। वी हैड रीरोट द एक्सप्रेशन इन दिस मैनर और फिर इसको हमने रिडबर्ग कॉन्स्टेंट के टर्म्स में लिख दिया था और रिडबर्ग कॉन्स्टेंट दिस कंप्लीट टर्म इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट जिसको r लिखा हुआ है इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर
इनटू इनटू स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर। प्रॉब्लम को पढ़ते से ही यह सारी बातें एकदम से दिमाग में आनी चाहिए और शायद लिखना भी पड़ेगी। अब दोबारा हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे क्योंकि इधर आंसर रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में देना है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट हमने किसके लिए लिखा है यह भी दिखा पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में इधर मॉडिफिकेशन करा जा रहा है और रिडबर्ग कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल है। इमेजिन अ हाइड्रोजन एटम मेड अप ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं करा, एंड अ हाइपोथेटिकल पार्टिकल ऑफ डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल करा गया है, तो इस पूरे टर्म में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा, 2 पाई स्क्वायर ऐसा कैसे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऐसा कैसे, एच क्यूब सी ऐसा कैसे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल करा गया है। तो अब हम नया एक्सप्रेशन इस प्रॉब्लम के लिए जो लिखेंगे, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 2 आर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हुआ है तो इस सिचुएशन के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट जो पहले आर था इसकी जगह पर अब 2R दिखेगा, इनटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इनटू Z स्क्वायर। अप्लाई बोर एटम मॉडल एंड कंसीडर ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन फॉर दिस हाइपोथेटिकल पार्टिकल टू फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल Z इक्वल टू 1 सबसे पहले और फर्स्ट एक्साइटेड लेवल है इसलिए N1 इक्वल टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल मीन सेकेंड ऑर्बिट। The longest wavelength that will be emitted has wavelength equal to in fact final is to और longest wavelength के लिए longest lambda हमें निकालना है, तो longest wavelength के लिए least energy होनी चाहिए और least energy के लिए N1 is equal to हमें 3 रख देना चाहिए क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन मिनिमम डिफरेंस इन एनर्जी लेवल के बीच में होना चाहिए। सो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2 आर इनटू 1 बाय N1 की जगह लिखा मैंने 1 बाय N1 स्क्वायर की जगह 1 बाय 4 इनटू 1 स्क्वायर। सो दिस वुड गिव मी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 आर इनटू 35 बाय 36। Hence the correct answer would be lambda is equal to 18 by 5 R. The correct answer to this objective is the third option, that is C, 18 by 5 R. This is the correct answer. Jara dhyan se dekhiye. Now once again understand the challenge पोस्टेड इन द ऑब्जेक्टिव। आप सोचिए कि इस तरह की चीजें कई बार हम याद ही नहीं रखते और हमको यहां से सोचना पड़ा। एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, उसका एक्सप्रेशन रिकॉल करा। रिडबर्ग कांस्टेंट कहां से और कैसे अपीयर हुआ है हमने वह रिकॉल करा। इसको हमने एच सी बाय लेमडा लिखा और एच सी को हम नीचे ले जाते हैं और 1 बाय लेमडा वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं और यह रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाता है। और इस तरीके से तो यह हमने सबसे पहले जो बेसिकली हमने थ्योरी में करा था उस चीज को हमने रिकॉल करा, रिवाइज करा। फिर हमने यह सोचा कि जब यह मॉडिफाइड सेटअप है, जब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के मास में फर्क दिखाया है, एक ऐसा पार्टिकल इमेजिन करा जिसमें इलेक्ट्रॉन की जगह पर एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है मगर मास डबल है, तो इस रिडबर्ग कांस्टेंट पर होने वाले फर्क को हमने सोचा कि यह मास m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r की जगह जो हमने लिखा है तो जो नया हमको एक इमेजिनरी सेटअप दिया है उसमें 2R आ जाएगा इस जगह पर। बाकी सिचुएशंस को हमने ऐसा कैसे रखा, z की जगह 1 हमने सोच लिया क्योंकि प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं करा गया है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब निकाला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल टू 2 लिख दिया। फिर हमने कहा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब मिनिमम चेंज इन एनर्जी तो वो तब होगा जब n1 इक्वल टू 3 हो। तो इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 में जाएगा तो सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी, सबसे कम एनर्जी की केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी और वह सिचुएशन सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व करा और फाइनली यह आंसर कंक्लूड करा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पढ़ने में छोटी सी भी यदि गलती हो जाए, यदि हमारी अलर्टनेस अटेंटिवनेस नहीं रहे और हम किसी भी चीज का गलत मतलब निकाल ले या नहीं पढ़ पाए तो हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को कर ही नहीं पाएंगे।
अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव टू मेक योर कंसेप्ट वेरी क्लियर. अपने कंसेप्ट को बिल्कुल सही करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है. ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सॉल्यूशन को देखिए, सोचिए, बार बार सोचिए और अब 14th ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए. अब हम 14th ऑब्जेक्टिव देखते हैं. एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम N1 टू N2. एक इलेक्ट्रॉन N1 से N2 पर जाता है. द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ N1 एंड N2. देखिए वंस अगेन हमें जो इस पर करना है, रेडियस के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था, रेडियस इज 0.529 n² / z. वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखा था 2.18 × 10⁶ × z/n m/s. हमें टाइम पीरियड से रिलेट करना है तो टाइम पीरियड से रिलेट करने के लिए हमें यही एक्सप्रेशंस का एप्लीकेशन आएगा और हमें कांस्टेंट टर्म्स में नहीं, हमें एन के टर्म्स में बातचीत करना है, टाइम पीरियड के टर्म्स में बातचीत करना है. देखिए मैं लिखता हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2πr, टोटल टाइम पीरियड इज टी, इज इक्वल टू वेलोसिटी. सो टाइम पीरियड इज 2πr/v. दिस इज द टाइम पीरियड. अब मैं यह टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं 2π. आर की जगह पर मैं लिखूंगा 0.529 × n² / z और वेलोसिटी की जगह मैं लिखूंगा 2.18 × 10⁶ × z/n. सो z² n³. सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z² और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³. अब आप देखिए टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स देन इन द फाइनल स्टेट. टाइम पीरियड 8 टाइम्स हो रहा है मींस t₁/t₂ इज इक्वल टू 8. दिस इज इक्वल टू n₁³/n₂³. सो n₁/n₂ इज इक्वल टू 2. n₁/n₂ इज इक्वल टू 2. सो द पॉसिबल इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, द टाइम पीरियड इज 8 टाइम्स, द पॉसिबल वैल्यू n₁/n₂ इज इक्वल टू 2 मुझको ए में भी दिख रहा है, बी में नहीं है, सी में नहीं है और खास बात डी में भी दिख रहा है. ए और डी यह दोनों करेक्ट दिख रहे हैं. अब मैं किस एक को मार्क करूंगा, मुझे हल्का सा भी यदि डाउट लगा तो तुम्हें मार्क तो ए को करूंगा. यदि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो मैं ए को मार्क करूंगा और मल्टीपल होता तो मैं डी भी मार्क करता. सिंगल चॉइस के केस में मैं ए मार्क करूंगा और मल्टीपल चॉइस के केस में मैं ए और डी दोनों को मार्क करूंगा. बिकॉज n₁/n₂ इज 2 और इसके अलावा मुझे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है जो किसी भी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करती हो. इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n₁ to n₂. टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन फाइनल स्टेट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n₁. सो द पॉसिबल वैल्यू इज आइदर 4 or 2 or 6 or 3 जिसमें n₁ और n₂ का रेशियो 2 है. सिंगल करेक्ट ऑप्शन के केस में ए मार्क कीजिए, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन के केस में ओ डी दोनों. प्लीज नोट इट डाउन.